अस्सलामुअलैकुम, थर ऑनलाइन न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नगीना कादिर, और अभी हम आपको ले चलते हैं कोर्ट शाकिर, जहाँ पर नौजवान पर मुबैना मुकदमे के इंदराज के खिलाफ उसका खानदान सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना कोट शाकिर के सामने, जहाँ पर एक नौजवान जिसको मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किए गए, उसके लवाकिन एहतजाज कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका नौजवान वाकई इस गुनाह में शामिल है या उनको ऐसी किसी इंतकाम की सज़ा दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम हाजी इफ्तखार है। असी चाण के रहायशी हैं, दुकानदार हैं, मैं तो मेरा बदरिया चार पाँच होर दुकानदार मार्केट के जो बंदे ना जी, असी सारे बैठे हैं। थाने वाली गड्डी गई है कोट शाकिर की, इन्हें आख्या जी इमरान गोशी केड़ा है, वो बत्रीए मेरा उठे, उस आख्या जी मैं उन्हें आख्या चल गड्डी बह जा, वो आराम नाल बगैर किसी मजामत गड्डी बह गया। उस तो बाद मैं पूछा सर काइंडली सारे दस दिए भी तुम्हें ले वेंदे हो, इस कोई दरखास्त जो कोई वजह से तू बकवास करने वाला कौन होना, जिस तरह पुलिसगिरी करते हैं, दो त्रै चाटा मारे मैं तो अपना निशान विखा सकना, तो मैं दो त्रै चाटा मोह बंदे साढ़ा असी ऐसा कोई साढ़ा मामला नहीं है। अच्छा थाने लैके आए राह जी, मैंने तोड़ तक मरेंदे आए, ठीक है ना जी, इतने आन के जी इफ्तखार में पहले लम्मा पा दियो, इस मजामत क्यों की है। अच्छा लेकिन थानेदार साहब जो बैठे हैं उन्होंने आखिर जी इफ्तखार इतना लम्मा न पो, तू उत्ते बह जा, हवाला तो गोशन देते हैं जी। असी पूछा जी वजह, उस आखिर भाजी तुम हूँ जो सा पिछू मतलब लवा यकीन पिछू पुछना है ना, सेठा मशेर है, दो चार बंदे जो मुझे होर हैं डॉक्टर अली जान वगैरह, उन्हें आखिर जी हूँ तुम सा झूठ झू बुलवाइंदे हो जी, असी त्रै किलो की जड़े इस चरस पावनी है, तो असी इस परचे देना सन पिछू आर्डर आया, इतनी गल करके इफ्तखार का जी कोई कसूर है, इफ्तखार का कोई नहीं, समझा मत कि लै जाओ, मैंने उन्हें छोड़ दिता है, तो गोशी ने जनाब इमरान ने उसनों अंदर डाक दिता, हूँ असी पूछे तो आदमी जी असं परचे दे रहे हैं। असी इस वास्ते थोड़े वसाजत नाल गल करना चाहते हैं, अगर उस गुनहगार है या इलाके के लोग जो मार्केट दे, अगर ये दस देवे बी वाकई या उत्थे उन्हें तलाशी लीए, कम अज़ कम तलाशी भी लीए तो एक पूड़ी कोई विखा देवे ना, तो मुड़ भी असी मन मजिए, वो त्रै किलो दिखाने उन्होंने इतने जनाब एहतजाज कर दिया कि असं त्रै किलो पाई खलोते हैं। इस तो पहले भी साढ़ा कुत्ते बंदा चाने चुन चा लिया जनाब, उससे दो किलो दे दिते ने, जी करते पैन जतोई वाला फलां फलां उन्होंने मिले भी भगत है, जो गरीब लोग शरीफ हूँ सानू आ दिन तो अं डाके मरेने चरसा पीने जो कि जिन सानू आखन असं करने हैं, असं दुकानदारी छोड़ देने, बगैरती की रोटी खावनी है ना, थाने के परचे जो जलने असी रोज़, तो असं मुड़ कम अज़ कम कसूर तक रहने ना। इस वास्ते साड़ी हुकाम बालन अपील है कि इस तो मेहरबानी करें, थाने कोट शाकर वाले ने आखन भी सानू बिला वजह तंग न करें, मेहरबानी जनाब। बाकी आवाम थोड़े सामने खलोती है सारी, आप क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पहले आया हूँ SHO साहब से, मैंने पूछा है कि इनका बताएं कि क्या कसूर है या किस वजह से आप ले गए, तो मुझे उन्होंने कहा है कि हाजी इफ्तखार ने थोड़ी सी बदतमीज़ की है, और मैंने कहा और इमरान हैदर, तो मुझे कहते हैं कि इमरान हैदर ने ना उसका चर्स का मतलब ना वो 3 किलो चर्स उस पर बरामद हुए, मैंने कहा अगर बरामद हुई तो मुझे दिखाएं बरामदगी कहाँ पर, आपने अगर देखा भी है तो आप दिखाएं, पहली बात है। कहते हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है, तो मैंने कहा ऊपर से जो आपको ऑर्डर मिला तो किसने कहा है, कहते ऊपर से हमें जी एजेंसी ने बताया, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो मुझे प्रूफ दिखाएं कि एजेंसी ने जो बताया तो एजेंसी कहाँ पर, ये कौन सी एजेंसी है, तो कहते हैं बस हमें DPO साइड है, क्या DPO यही कहता है कि जो बेकसूर है उनको पकड़ के अंदर फेंक दें और साथ में बिला वजह FIR दी जाए, तो काम वाले से गुजारिश है कि मेहरबानी करें और हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, मेहरबानी शुक्रिया जी। आपने गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना था कि इनका जो नौजवान है किसी भी किस्म की मंशियात फरोश में मुलव्वस नहीं है, उन्होंने DPO जंग से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस वाक़े की तहकी